कलपन डाई डाइसक्राइड किए स्टार्ट। देखो आप मोनोसक्राइड पढ़ चुके, मोनोसक्राइड जिदा ग्लूकोज पढ़ लिया, फ्रुक्टोज पढ़ लिया, मोनोसक्राइड ही डाइसक्राइड करते पे हाँ। इस तो अगे आने पोलीसक्राइड। डाइसक्राइड अपने सिलेबस के तीन ही ने, केड़े केड़े डाइसक्राइड? फस्ट हैगा वा सुक्रोस, सुक्रोस जिहदा की फार्मूला हुंदा C12H22O11। दूसरा हैगा जिहड़ा अज करना, आ कल आपां कर लिया, अज आपां पढ़ना माल्टोस। माल्टोस जिहदा की एक फार्मूला हुंदा C12H22O11, सेम ही हुंदा। तीसरा होना जे लैक्टोस, लैक्टोस जिहदा फार्मूला भी C12H22O11 हुंदा। इत्थे कहण दा मतलब आ जिन्ने भी डाइसक्राइड सब दा इहो ही फार्मूला हुंदा C12H22O11। फर्क कित्थे पैंदा? जिहड़ा सुक्रोज हुंदा इह कादा बणिया हुंदा? अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। ग्लूकोज ते फ्रुक्टोज नू जोड़ के केड़ी चीज़ बनती? सुक्रोज। याद रख लियो अल्फा ते बीटा, कल आप दोनों अल्फा बनाए ही, पर एक बाद दसता है तुहानू एक अल्फा ते एक की हुंदा बीटा। उस तो बाद माल्टोज जिहड़ा अज पढ़ना, ये किन्ना किन्ना तो बनता? इस दोनों अल्फा ग्लूकोज ही होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज रल के केड़ी चीज़ बना देंगे? माल्टोस। तो लैक्टोज किन्ने बना? ग्लूकोज तो गलैक्टोज ने, यह बीटा होंगे जी। एक ग्लूकोज होगा, एक होगा गलैक्टोज। ठीक है, फिलहाल इन चीज़ा दिमाग च रखियो, ये भुलन ना। सुक्रोज बनता ग्लूकोज तो फ्रुक्टोज तो। माल्टोस जिन्हों माल्ट शूगर भी कहिंदे आ, ये ग्लूकोज तो ग्लूकोज तो रल के बनता, लैक्टोज बनता इन्हां दोनों तो। मेन सानू की याद रहने चाहिए? स्ट्रक्चर। सुक्रोज का बन लिया, आप सैकेंड ही स्टार्ट करते हैं माल्टोस। माल्टोस इनू आप होर की बोली दा? माल्ट शूगर। माल्ट शूगर कितों सानू ये माल्टोस मिलता वा? जेकर आप माल्टोस प्राप्त करना हो कितों मिलता वा? स्प्राउटिड बारले सीड। बारले कोई अनाज ही होगा, उत्तों मिलता जी। ठीक है, माल्ट, माल्ट शूगर जा माल्टोस कितों सानू मिलेगा? अबटेन्ड फ्रॉम, अबटेन्ड फ्रॉम स्प्राउटिड, स्प्राउटिड बारले सीड, बारले सीड। ठीक है, इस तों सानू अबटेन होगा। देखियो इत्थे माल्टोस का स्ट्रक्चर मैं हुणे दस्या। माल्टोस किहदे किहदे तो बनना? अल्फा डी ग्लूकोज ते अल्फा डी ग्लूकोज तो। केड़ी फॉर्म होनी इन्हां दी? पायरेनोज स्ट्रक्चर। पायरेनोज स्ट्रक्चर किद्दां बनाई दा? सिक्स मैंबर्ड रिंग बनाई दी, ऑक्सीजन भी इनवॉल्व हुंदी इत्थे, सिक्स मैंबर्ड रिंग बनाई। आ याद रख लियो, आ बनाउण लगा जे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। पहलो इन्नी चीज़ देखो, जिथे ग्लूकोज लिखिया होवे ना, तुसीं थर्ड कार्बन ते आ फस्ट सैकेंड थर्ड, थर्ड कार्बन ते ओ एच उपर लाईदा, याद रहूगा? जिथे ग्लूकोज लिखिया होवे थर्ड कार्बन ते ओ एच उपर लाईदा, बाकी जिहड़ियां पोजिशनां बच गई फस्ट सैकेंड फोर्थ ते फिफ्थ, फिफ्थ कार्बन ते सी एच टू ओ एच उपर लाने। ये किन्नी वारी आपां कर चुके हाँ, हेठां एच हुंदा, जे ओ एच उपर आ ते इहदे सामने एच होना, एच होना, एच होना ते इत्थे ओ एच होना। आ इहदा बन गया पायरेनोज स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा भी केड़ा वा? अल्फा डी ग्लूकोज। फिर स्ट्रक्चर देखियो, दो जाणियां ने कंबाइन होना जे,
ऑक्सीजन भी होगी सिक्स मैंबर्ड रिंग विच। थर्ड कार्बन फस्ट सैकेंड थर्ड कार्बन च उपर की आना ओ एच लैफ्ट साइड नू उपर रीप्रजेंट करीदा राइट नू हेठा रीप्रजेंट करीदा ओ एच दे सामने एच 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 ते ए जिहड़ा बच गया इहदे उपर बल्कि ग्रुप आउंदा सी एच टू ते ओ एच। जे एच लिखिया उपर ते हेठा ओ एच लिखीदा जे एच लिखिया उपर हेठा ओ एच लिखीदा ओ एच या उपर हेठा एच आऊगा एच या उपर ते हेठा ओ एच आउंदा। हुण इन्हां दोनों ने जुड़ना किद्दां वा इत्थे होणी जे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ते होना लॉस ऑफ वाटर मॉलीक्यूल लॉस ऑफ वाटर मॉलीक्यूल ते केड़ी लिंकेज होनी आ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किद्दां हुंदी आ इथों ओ एच ओ एच इथों एच एच टू ते ओ वाटर ने निकल जाना इथों ओ एच निकलना इथों एच निकलना ते मैं इत्थे एक बार बना के दिखा दिना एच निकल गया ओ एच निकल गया इस तरह लिंकेज हो जानी तो ये की बन जाता वा माल्टोज। ठीक है इतने मैं तुम अगले स्टैप कर लियो इतने की ही ओ एच इतने भी की ही ओ एच जो दोनों जोड़ोगे जोड़ लोगे ना आपे मैं सिर्फ इन्ना क बना दिना वा बाकी तुम आपे इन्हों का कर लियो बॉन्डिंग वगैरह जिदा भी हैगी है। ऑक्सीजन के थ्रू इन्होंने जुड़ जाना तो ये लिंकेज नूं की कहिंदे आ ग्लाइकोसिडिक ग्लाइको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मैं तुहानूं कल भी दस्या ही भी सी बी एस ई दे विच ये क्वेश्चन बड़ा मेन हुंदा वा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुंदी की पुछ लैंदे सिद्धा तो तुसीं की कहना वा जदों दो मोनोसकराइड आवी मोनोसकराइड आवी मोनोसकराइड दो जाने जुड़े तो डाइसकराइड बनिया ते जदों जुड़दे आ ते लॉस ऑफ की हुंदा वाटर मॉलीक्यूल ते ए जिहड़ी लिंकेज हुंदी इहनूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहिंदे ने। ठीक है फॉर्मेशन ऑफ डाइसकराइड बाय द कंबीनेशन ऑफ मोनोसकराइड्स थ्रू द लॉस ऑफ वाटर मॉलीक्यूल ते उहनूं आपां किहड़ी लिंकेज कहिंदे आ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है प्रॉपर वह कर लियो इत्थे बॉन्डिंग वगैरह पूरा। ठीक है ये साडे कोल की बन गया माल्टोज मेन तुहानू स्ट्रक्चर आने चाहिए तुहानू किसी ने नहीं पुछना माल्टोज कित्थों अबटेन हुंदा ये तो अपनी नॉलेज ली आ स्प्राउटेड बारले सीड हो गया इहदा नाम की आ सिर्फ आ स्ट्रक्चर मेन आने चाहिए ने। ये अल्फा ग्लूकोज केदे ना जुड़दा पिया अल्फा ग्लूकोज ना तां करके केड़ी लिंकेज हुंदी जे अल्फा लिंकेज। ठीक है अब मैच कर लियो इदां दा बनना जी। नैक्सट आपां पढ़दे हां लैक्टोज लास्ट डाइसकराइड साडा लैक्टोज मिल्क शूगर कहिंदे जी इहनूं मिल्क विच लैक्टिक एसिड हुंदा जी लैक्टोज नूं आपां मिल्क शूगर भी कहीदा। थर्ड साडा डाइसकराइड आ गया लैक्टोज लैक्टोज इहनूं आपां की बोलीदा मिल्क शूगर ते ए बनदा किन्ना किन्ना दो जाणिआं तों आ एक हुंदा जे बीटा ग्लूकोज ते दूसरा हुंदा वा बीटा ग्लैक्टोज। देखियो पायरेनोस स्ट्रक्चर पहलों देख लो
समझो वधिया तरीके ना, आ देखो बीटा ना देखो, पहलों ग्लूकोज कल्ले नू देखो। ग्लूकोज नू जेकर आपां पायरेनोस स्ट्रक्चर बनाउणा होवे ते आपां 6-membered ring बनाई दी, 6-membered ring बना ली। फस्ट कार्बन, सैकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन ते उपर 6th carbon हुंदा जी। मेन की याद रखना, ग्लूकोज दे विच थर्ड कार्बन जेड़ा हुंदा उहदे उपर OH लाईदा, मेन ए गल ना भुल्ले। बाकी सारा उदा ही चलना, OH आ H लग जाना, एक उपर OH लाया उपर H लग गया, इत्थे भी उपर की लगना H, इत्थे भी उपर की लगना H। इत्थे मैं चेंज करना वा, पहलो सिंपल समझो, जिथे H उपर आ ते हेठां OH, OH H OH, इत्थे उपर लगदा CH2OH, हेठां H। आ स्ट्रक्चर पिछले अर्गा वा अल्फा वाला, ये हैगा जे अल्फा डी ग्लूकोज। पर आपां केड़ा बनाउणा इस वार, बीटा। जदों बीटा बनाउणा, एनोमेरिक कार्बन दस्या तुहानूं, पहले नंबर वाला कार्बन हुंदा एनोमेरिक कार्बन, उहदे ते इहनां दी पोजीशन बदल देईदी, OH उपर लिख देईदा, एच हेठां लिख देईदा। पहलों अल्फा बनिया ही, हुण आ पूरा केड़ा बन गया, बीटा डी ग्लूकोज। इन्ना समझ लगदा। उस तो अगे देखियो गलैक्टोज किदां बनाईदा, ग्लूकोज बनाउणा आउंदा, फ्रुक्टोज भी इहदे तो बन जांदा, ते आ चीज़ां बाकी दियां सारियां इहदे तो बनदियां। गलैक्टोज वेखियो किदां बनूंगा, 6-membered ring उदां बनाईए, 6-membered ring बना ली। फस्ट कार्बन, सैकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, आ फिफ्थ ते उपर 6th carbon। सारा ग्लूकोज उदां बनाउने आ, 1, 2, 3 थर्ड कार्बन ते की हुंदा उपर OH, इत्थों तक ते सानू ग्लूकोज दा लर्न ही। जदों गलैक्टोज आ जाए ना, थर्ड ते फोर्थ ते दोनों दे उपर OH हुंदा जी। जे ग्लूकोज आ कल्ले थर्ड दे उपर OH लाउणा, जे गलैक्टोज आ गया थर्ड दे उपर भी OH ते फोर्थ दे उपर भी OH। बाकी इदां दा ही पूरा बनना, बाकी जो भी आ सेम इहो ही आ जाणा, OH उपर H हेठां, जिद्दां इत्थे आ H उपर OH हेठां H आ जूगा, जे उपर OH ते H आ जूगा CH2OH, ते हेठां की आ जाणा H। हुण इन आ हैगा बीटा ग्लूकोज, बीटा गलैक्टोज, इन्हां ने कंबाइन होना, केड़ी लिंकेज होनी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिन्हों आपां बीटा लिंकेज बोलांगे। इत्थे बीटा लिंकेज क्यों कहने पे, क्योंकि दोवें केड़ी टाइप दे, बीटा टाइप दे लिंकेज किद्दां हुंदी, किहदा लॉस हुंदा वाटर मोलीक्यूल दा, पहलों इत्थे समझ लियो। इत्थों OH ते इत्थों H, वाटर मोलीक्यूल निकल गया, इस तरह लिंकेज हो जाणी, ठीक है। तो आ जो भी स्ट्रक्चर बनिया, ये किहदा बन गया, लैक्टोज का। स्ट्रक्चर च गलती ना होवे, इहो ही पुछे जाने ने, ये जरूरी ने, ठीक है। अगे जाके इत्थे देख लियो बनना की, इन्हां ने जुड़ के सारे उदा ही आ, कोई फर्क नहीं पैना, बस इत्थे लिंकेज हो जानी, वाटर मॉलीक्यूल निकल जाना, OH ते H वाटर बन जाता, निकल गया कल्ला ऑक्सीजन बचता, ऑक्सीजन इत्थे सेंटर जे च लिख दियो, बाकी सारिया चीज़ां उदा ही तार देनियां, ठीक है। नोट कर लियो, तुम सारे उपर लिख दियो उदा ही। इधर गल सुनो एक बार, देखो जो तुम इतने स्ट्रक्चर बनाया होना CH2OH, इतने बड़ा मेन पॉइंट सानू पता होना चाहिए, H H H OH OH ते H, इधर ध्यान दियो। तुहानू मैं हुणे कहा वा भी जिहड़ा फस्ट कार्बन हुंदा उहनू कहिंदा एनोमेरिक कार्बन, आ फस्ट कार्बन ही, इत्थे मैं फस्ट लिखदा, फस्ट कार्बन ही, ए ते इत्थे इहने बॉन्डिंग कर ली, ये फ्री नहीं हैगा, इत्थे फ्री ही,
इत्थे किसी नाल जुड़ गया वा, इहदी बॉन्डिंग हो चुकी है। पर इधर ध्यान मारो, इधरले बन्ने आ भी फस्ट कार्बन, जिदा आ फस्ट कार्बन हुंदा, इत्थे ए फ्री, ते जिहड़ा स्ट्रक्चर बनिया साडा लैक्टोज दा, उहदे विच वी ए की हैगा फ्री। पता लगन दिया ना, फस्ट कार्बन की आ फ्री, आपां कह सकदे आ लैक्टोज दे विच, लैक्टोज दे विच की हुंदा फ्री एनोमेरिक, ए तो हुंदा जे एनोमेरिक कार्बन, फ्री एनोमेरिक कार्बन, ते जिन्ना दा एनोमेरिक कार्बन फ्री होवे ओ हुंदे रिड्यूसिंग नेचर दे, रिड्यूसिंग नेचर दे। उन्हां दी रिडक्शन हो सकती आ, वह किद्दां दे हुंदे रिड्यूसिंग नेचर दे, ते जिहड़े रिड्यूसिंग नेचर दे हुंदे ओह स्वीट टेस्ट च हुंदे जी। फिर इन्हों का टेस्ट की हुंदा जे स्वीट टेस्ट, तां करके जिहड़ा मिल्क हुंदा ना, मिल्क का अपना ही टेस्ट हुंदा स्वीट, जिहड़ा आपां मिल्क यूज करदे आ घरां दे विच, उहदे च मिठास पहलों ही हुंदी आ, वह किहदे कारण हुंदी आ, क्योंकि उहदे च लैक्टोस हुंदा, ते लैक्टोस दे विच की हुंदा वा फ्री एनोमेरिक कार्बन, ते जिन्ना च फ्री एनोमेरिक कार्बन हुंदा उन्हां दा टेस्ट की हुंदा स्वीट। इन्ना क्लीयर हो गया। रिड्यूसिंग नेचर दा मैं इन्हां नूं क्यों कहना पिया, क्योंकि आ फस्ट कार्बन ते केड़ी चीज़ हुंदी आ, एल्डिहाइड। बाद च जिद्दां मर्जी इन्हां दी बॉन्डिंग होई, पहलों की हुंदा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होऊगा ते रिडक्शन हो सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता इत्थे। याद रख लियो, फ्री एनोमेरिक कार्बन रिड्यूसिंग नेचर, तां करके आपां इहनूं कहिंदे स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। लैक्टोज अपना कंप्लीट हो गया, अपने इत्थे डाइसैक्राइड कंप्लीट हो गए, हुण आपां पोलीसैक्राइड करने ने। डाइसैक्राइड्स तो बाद आ गए पोलीसैक्राइड्स। आपां स्टार्टिंग कीती ही मोनोसैक्राइड तो, फिर डाइसैक्राइड पढ़े, हुण आ गए जे पोलीसैक्राइड्स, पोलीसैक्राइड्स। पोली दा मतलब हुंदा मैनी, डाई दा मतलब ही सिर्फ दो जाने, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ते ग्लूकोज गलैक्टोज। पोली दा मतलब किन्ने जाने जुड़े होणगे, किन्ने मोनोसैक्राइड जुड़ के की बना दिंदे आ पोलीसैक्राइड। आपां इत्थे कह सकदे आ इहदे विच की हुंदे जे मैनी मोनोसैक्राइड्स, मैनी मोनोसैक्राइड्स कंबाइन, कंबाइन टू मेक, कंबाइन टू मेक पोलीसैक्राइड, मैनी मोनोसैक्राइड्स कंबाइन टू मेक पोलीसैक्राइड। एग्जाम्पल पोलीसैक्राइड दी, स्टार्च, स्टार्च अपना सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सैलूलोस, डैक्सट्रीन, इदा करके आप दो लिख लें, स्टार्च हो गया, सैलूलोज हो गया। पहलो आप पढ़ना वा स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च का की फार्मूला हुंदा, C6H10O5N टाइम्स हुंदा जी। स्टार्च का फार्मूला की आ, C6H10O5N टाइम्स। आ एन जेड़ा वा ये 100 तो लैके 3000 तक हो सकता, ये बड़े वड्डे मोलीक्यूल्स ने स्टार जेड़े आपां पाण लगे पोलीसैक्राइड। आ जनरल फार्मूला आ गया C6H10O5। होर इहदे बारे की याद रखना, इहदियां प्रॉपर्टीज जां करैक्टरिस्टिक्स लिख लैने आ, स्टार्च जिहड़ा वा ये पाउडर फॉर्म च हुंदा जे, जिन्नू आपां कह सकदे अमोरफस इन नेचर, अमोरफस इन नेचर। केड़ी फॉर्म दे विच हुंदा जे, पाउडर फॉर्म दे विच हुंदा, पहली गल ये याद रख लियो। दूसरी गल, स्टार्च नू जेकर आपां पानी दे विच घोलदे नहीं घोलदा, स्टार्च जिहड़ा वा इनसोलेबल हुंदा कोल्ड वाटर विच, गर्म पानी विच घोलांगे घोल जांदा, ठीक है, आपां कह सकदे आ इनसोलेबल, इनसोलेबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है, इन्ना भी याद रख लियो, बट सोलेबल इन हॉट वाटर। तीसरी चीज, स्टार्च, स्टार्च इज अ
फूड रिजर्वॉयर जां आपां कह लियो प्लांट जिहड़े आ इत्थे एक गल समझो फूड तो बिना आपां काम नहीं ना कर सकते भोजन सानू एनर्जी प्रोवाइड करता तो प्लांट्स नू एनर्जी कितों मिलती आ स्टार्च तो स्टार्च जिहड़ा वा एक स्टोर्ड फूड हुंदा वा इन प्लांट्स ठीक है जिन्हों आपां रिजर्वर भी कह सकते हैं इत्थे आपां कह सकते हैं प्लांट प्लांट्स स्टोर्ड फूड जां स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ठीक है गल समझ लगी ना जिदा आपां भोजन खाने उहदे तो न्यूट्रिएंट्स लैने तां कि आपां कम कर सकीए सानू एनर्जी मिल सके पर आपां इह तां नहीं ना भी खाना खा के फिर कम करना फिर खाना फिर कम करना साड़ी बॉडी दे विच एनर्जी स्टोर रहिंदी आ ना जिन्हों आप टाइम टू टाइम वरतते रहने साड़ी बॉडी दे विच एनर्जी स्टोर हुंदी आ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ते प्लांट्स दे विच एनर्जी स्टोर हुंदी आ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ठीक है ये भी याद रख लियो एनीमल्स दे विच ह्यूमन बीइंग एक इंटलैक्चुअल एनीमल है ना एनीमल्स दे विच एनर्जी स्टोर्ड हुंदी आ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ते प्लांट्स दे विच हुंदी आ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ठीक है ये गल्लां याद रहणगियां थर्ड किद्दां पता लगदा पहली गल स्टार्च ज़्यादा कित्थे हुंदा सीड्स विच रूट्स विच जिद्दां कई इदां दे प्लांट्स आ पटाटो जड़ां दे विच हुंदा उगदा ना जिद्दां आलू आपां बीजदे उपर बूटां दा थल्ले जड़ां दे विच हुंदा ना रूट्स दे विच स्टार्च सब तो ज़्यादा हुंदा सीड्स दे विच सब तो ज़्यादा हुंदा आपां कह सकदे आ स्टार्च मोस्टली प्रेजेंट इन सीड्स रूट्स हो गया ठीक है होर भी किसी मतलब एग्जैक्ट का नाम ना लिखिए पटाटोस वगैरह सारे इस ही कवर हो जाते सीड्स रूट्स विच ठीक है होर आप की दस सकते फिर ही स्ट्रक्चर बनाने इतें ही आप एक चीज़ होर लिख दें मैनी अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूकोज कंबाइन टू मेक स्टार्च किन्ने अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते जाते आते केड़ी चीज़ बन जाती स्टार्च ठीक एक गल होर सुनो जेकर तुहानू वाईवे वगैरह च पुछया जाए जा प्रैक्टिकल वगैरह च पुछया जाए स्टार्च नू किद्दां पता लगता भी किसी चीज़ दे विच स्टार्च हैगा उहदे ते पाईदा आयोडीन सल्यूशन जे ते उहदा कलर हो जे ब्ल्यू फिर प्रेजेंस हुंदी स्टार्च दी जे ब्ल्यू कलर नहीं हुंदा फिर स्टार्च नहीं जे हुंदा ठीक है आपां की कह सकते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च की हैगा जे कोई भी चीज़ आ जिद्दां आपां कहता इत्थे आपां कह सकते हैं ब्ल्यू कलर अपीयर वैन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सल्यूशन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सल्यूशन लग जांदियां ना इन्नियां गल्लां पता ठीक है होर दो चार चीज़ां होर सुन लो फिर इनू नोट कर लियो जिदा कोई भी चीज़ है जिदे विच स्टार्च हैगा वा स्टार्च हैगा जेकर आपां इनू माइक्रोस्कोप ना देखिए बड़ा मन्यूट लैवल ते आपां जेकर इनू देखना चाहिए माइक्रोस्कोप ना देखिए ते स्टार्च जिहड़ा वा सानू किद्दां दा लभदा दे छोटे छोटे जिदा दाणे जे बणे हुंदे ग्रैनुलास दी फॉर्म विच आ जिदा छोटे छोटे दाणे जे बणे हुंदे ग्रैनुलास कहीदा इन्हां नू
ਇਹਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅਮੋਰਫਸ ਇਨਸੋਲੇਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਹਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਆ ਸਟਾਰਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਆ ਸਟਾਰਚ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਆ ਸਟਾਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਚ ਆ, ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਮਾਈਲੇਸ, ਅਮਾਈਲੇਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ, ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਟਾਰਚ ਦੇ, ਅਮਾਈਲੇਸ ਅਤੇ ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਲੇਸ ਆ, ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 15 to 20%। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਮਾਈਲੇਸ ਅਤੇ ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ, ਅਮਾਈਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 15 to 20% ਤੱਕ, ਅਤੇ ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 80 to 85% ਤੱਕ। ਜੇ ਆ 20% ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 80% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ 15% ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 85%। ਠੀਕ ਹੈ, 80 to 85% ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ NCERT ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 to 20% ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, NCERT ਨੂੰ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 to 20% ਅਮਾਈਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, 80 to 85% ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਾਟਰ ਸੋਲੇਬਲ, ਵਾਟਰ ਸੋਲੇਬਲ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਾਟਰ ਇਨਸੋਲੇਬਲ, ਵਾਟਰ ਇਨਸੋਲੇਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਆ, ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਡ, ਬ੍ਰਾਂਚਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਮਾਈਲੇਸ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ।